खबर कन्नौज से है, जहां पिछले कई दिनों से खराब पड़े हैंडपंप व टंकी द्वारा सप्लाई न मिलने से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे कासीराम कॉलोनी के बसिंदों ने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए नगर में ई रिक्शा द्वारा अनाउंसमेंट कराकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। पानी की एक एक बूंद को तरस रहे कासीराम कॉलोनी के लोगों की समस्या को लेकर ई रिक्शा पर सवार खलीफा के द्वारा शुक्रवार को नगर में अनाउंस किया जा रहा था। पानी नहीं तो वोट नहीं इस मामले की जानकारी की गई तो कासीराम कॉलोनी निवासी सोनू कमला, सायदा अवधेश, सीमा आकाश, सतीश चंद्रपाल व चंदा ने बताया कि करीब 3 से 4 दिनों से नगर पालिका के द्वारा पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है और हैंडपंप भी कई दिनों से खराब पड़े हुए हैं, जिसके चलते कॉलोनी के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। खाने पीने के लिए मोहल्ला बिरतिया के घरों में लगी समर से पानी भरने जाना पड़ रहा है। उन लोगों का कहना है कि कई बार नगर पालिका व तहसील में सूचना देने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं कराया गया। खानापूर्ति के लिए कभी कदार नगर पालिका से अब पानी का टैंकर भेज दिया जाता है। समस्या का समाधान न होने की स्थिति में कासीराम कॉलोनी के बसिंदों ने पानी नहीं तो वोट नहीं का अनाउंस कर दिया है। 2 दिन से कासीराम कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सभी कासीराम कॉलोनी वालों से निवेदन है, चुरला मऊ के चेयरमैन राजीव दुबे के पास जाएं, अपनी बात को रखें, अपनी समस्या को रखें। पानी की चुरला मऊ में बहुत ही परेशानी हो रही है। सभी नेता लोग सभी वोट मांगने आ जाते हैं, मगर सुनवाई कोई नहीं करता है। सभी भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में चेयरमैन के पास पहुंचने का कष्ट करें और पानी जल्दी से जल्दी कासीराम कॉलोनी में मंगवाएं। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जनता बहुत परेशान है। हमारी बात को ध्यान से सुने। अपनी हमला कहाँ के रहने वाली है? कासीराम कॉलोनी। पानी लेके क्या समस्या है? पानी लिया जाए तुम बता दे, टंकी बिगड़ जाती, कहीं तस्वीर बिगड़ जाती, ना पाइप है ना कुछ भी है ना कुछ है। यहाँ पानी बहुत 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा भैया। फिर आप लोग कैसे पानी यूज कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं कहीं कहीं गाँव से भर के लाते, भिटिया मोलदार भर के लाते, कहीं कहीं से भर के लाते, कहीं कहीं से भर के लाते। नल ठीक नहीं है क्या? नल एक भी नहीं सही है, जितने खराब है सब खराब है, कोई पानी केवल ये एक ये दे रहा है पानी हल्का सा। दे रहे जो भरने नहीं दे रहे उस पर भरने नहीं दे रहे। क्यों? भीड़ वजह से? हाँ नहीं भीड़ भी नहीं, भरने नहीं दे रहे। मेरे हम करा लेंगे, वो करा लेंगे, कहीं समर लगवा मेरे हम समराते हैं, 1000 रुपया लेते हैं, मेरे पैसा लगते हैं। अच्छा। ये कहते हैं कहीं चैन उतार देते हैं, कहीं नल बोल्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं की पानी के लेके? कहाँ शिकायत कर पाई, शिकायत की थी आप लोगों ने? हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई क्या? कोई शिकायत करी, कोई नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एक नल नहीं, एक समाज दे तो एक नहीं समाते हुए देखो बिगड़े पड़े सब नल। भैया कोई नल में पानी नहीं आ रहा, पीछे से लेके पूरी कॉलोनी में जितने नल में सब में बिगड़े। मेरा नाम संतोष उपाध्याय। कासीराम कॉलोनी में पानी में क्या किस तरह दिक्कत है? क्या पानी में ये नहीं पता चल पाता है यहाँ पर क्या है? जब चाहो जब पानी बंद हो जाता है और 2-3 दिन आता नहीं। यहाँ के कासीराम के सब पब्लिक लोग जो है बहुत परेशान भी हैं और पानी की कताई पड़ी हुई है। यहाँ नल भी नहीं लगे हुए, ना समर है, और रोडों से कहीं कहीं से भर रहे हैं। बासुम बच्चे लेडीज सब तरीके से परेशान हैं यहाँ पर, बड़े बूढ़े भी परेशान। और पानी आज 2-4 दिन से आ नहीं रहा, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत सब जगह सबको शिकायत की भी थी, नगर पालकों को भी मालूम है, सबको मालूम है, और हर जगह मतलब शिकायत है और उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई कहीं नहीं, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। कहाँ से पानी लाते हैं आप लोग? हैं पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी हम रोड से ही भर रहे हैं, टैंकर कहाँ है? टैंकर भी अभी तक नहीं आ पाया है, 2 दिन से टैंकर की बोला जा रहा है, कोई नहीं आ पा रहा है। और हम कासीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं। क्या समस्या है पानी के लेकर? पानी की साहब बहुत बड़ी समस्या है, एक ही नल है, हैंडपंप बहुत सारे खराब पड़े हुए हैं। फिर आप लोग कैसे पानी लेके आते हैं? पानी हम लोग बाहर से ला रहे हैं, आस पास उनके नल और समर है उनसे भर भर के ला रहे हैं। यहाँ जो समझ लगाया वो भी खराब। टंकी बनी हुई है कॉलोनी में, उसकी क्या दिक्कत है? टंकी पता नहीं, वो पानी नहीं देते हैं, अपनी मर्जी छोड़ते हैं, अपनी मर्जी जब होती तो नहीं देते। सप्लाई नहीं आ रही पानी की? सप्लाई नहीं आ रही। कब से ये दिक्कत है? आज हो गए 2 दिन।